नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल डिजिटल शहर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की यह वीडियो आपके लिए होने वाला है खास। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गेहूं की कटाई और गन्ने की बुआई। इस वीडियो को पूरा जरूर से जरूर देखें दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कान के द्वारा नाली बना रहे हैं और साथ ही नाली में गन्ने की बुआई भी कर रहे हैं। गन्ने को बाद में भी बोया जा सकता है, साथ में बोने से थोड़ा समय की बचत होती है। इसमें गन्ने के बीज की दूरी कुछ लोग 7 से 8 सेंटीमीटर मानकर रखते हैं, कुछ लोग 2 से 3 सेंटीमीटर मानकर रखते हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, इसमें सभी लोग गन्ने का रस पीना पसंद करते हैं, तो इसलिए आज हम भी गन्ने की पेराई कराने कुल्हार में आए हैं। आज मैं गेहूं की कटाई कराने अपने खेत पर आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हार्वेस्टर के द्वारा गेहूं की कटाई यहां पर हो रही है। पहले ज्यादातर लोग हाथ से गेहूं काटते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग मशीन से गेहूं कटाई कराना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें समय की बचत होती है। अब की बार गेहूं की पैदावार कम हुई है। इसी खेत में पिछली बार हमारी यह ट्राली फुल हो चुकी थी, लेकिन अब की बार आप सभी लोग देख ही रहे हैं पैदावार कितना कम हुई है। आज मैं अपने मित्र अंकित से मिलने उसके गांव जा रहा हूं। यहां से उसका गांव लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही उसके गांव का दृश्य आप लोगों को दिखाऊंगा। Lands through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go. मैं और अंकित के तालाब पर आए हैं। अभी कुछ देर में इस तालाब से मछली पकड़ी जाएगी। अभी मछली पकड़ने वाले लोग जाल लेने गए हैं।
खेती की जा रही है। आजकल जल्दी बैलों से खेती देखने को नहीं मिलती है। लगभग 25 साल पहले सभी लोग बैलों से खेती करते थे, अब लगभग सभी के द्वारा ट्रैक्टर से खेती की जा रही है। लेकिन आज हमें बैलों से जुताई और हेंगाई देखकर काफी अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं।